नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। आए दिन पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बताया जा रहा है कि इस बार जो गलती पाकिस्तान ने कर डाली है उसे तो अब साक्षात कोई चमत्कार भी नहीं ठीक कर सकता। इमरान खान के दोस्त कहे जाने वाले सऊदी अरब के प्रिंस से जुड़ी खबर तो आपने बहुत सुनी होगी, कैसे इन दोनों देशों के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। पर अब आपको बताना चाहेंगे मक्का में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के सम्मेलन में सऊदी अरब के किंग से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने उनका अनादर किया है। जी हाँ, इमरान खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो रेड कारपेट पर चलते हुए सऊदी अरब के बादशाह सम्मेलन तक पहुँचते हैं और उनसे हाथ मिलाने के बाद कुछ बात करते हैं। हालांकि जो वीडियो फुटेज सामने आया है उसमें पाकिस्तानी PM किंग से सीधे बात न करके ट्रांसलेटर से बात कर रहे हैं। इमरान खान हाथ तो किंग सलमान से मिला रहे हैं लेकिन बात ट्रांसलेट से कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में इमरान खान किंग सलमान की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। यहां तक कि इमरान खान ने किंग सलमान को प्रतिक्रिया में कुछ कहने का भी वक्त नहीं दिया और वहां से अचानक निकल गए। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इमरान खान ने किंग सलमान का अनादर किया है और उन्हें राजनयिक शिष्टाचार भी नहीं पता है। कई लोग तो ये भी सलाह दे रहे हैं कि पाकिस्तान के नेताओं को राजनयिक व्यवहार सीखने की जरूरत है। आपको बताना चाहेंगे लंदन की महिलावादी एक्टिविस्ट शमा जुनेजा ने ट्विटर पर लिखा है कि इस व्यक्ति को कोई डिप्लोमेसी के सिद्धांतों का थोड़ा सा भी ज्ञान दे दे। सुनने में आया है कि सऊदी किंग ने इमरान खान के साथ बैठक रद्द कर दी है क्योंकि वो खान के ऊटपटांग व्यवहार से नाराज है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अफवाह हो क्योंकि हमें सऊदी से अभी कुछ मांगना है। तो वहीं दूसरी तरफ न्याला इनायत ने लिखा कि ये अपमान से भी आगे का मामला है। PM इमरान खान आए और किंग सलमान से कुछ नहीं कहा, उनकी बातों को अनुवादक किंग सलमान तक पहुँचाता और किंग कुछ जवाब देते तभी अचानक इमरान खान वहाँ से निकल गए। इमरान खान को राजनयिक शिष्टाचार सीखने की जरूरत है। ट्विटर पर दावा किया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक होनी थी लेकिन सलमान ने इमरान को कथित अपमानजनक व्यवहार से खफा होकर रद्द कर दी। मक्का में OIC के 14वें सत्र का आयोजन किया जाना है। ऐसे में इमरान खान और सऊदी प्रिंस के बीच बढ़ती तल्खी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये मन मुटाव काफी लंबा चलने वाला है। ऐसे में दर्शक इस बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।